हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है यार आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय करूँगे अपनी लाइफ को। वेलकम बैक हो गया जी आप लोगों का हमारे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग के अंदर। अभी जो है ना मैं आया हूँ फार्म पे। अभी पानी वगैरह किसी को नहीं डाला, फीड वगैरह भी अभी किसी को नहीं डाली। अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जाके जो है ना हम वो चेक देखते हैं जो कल पानी के बर्तन के नीचे आ गया था कि वो सर्वाइव किया है या नहीं किया। अब तक मैंने भी नहीं देखा, चलते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। और आज मेरा इरादा था आज से हम लोग ये काम करेंगे कि पहले हम पानी डाला करेंगे, चिक्स को बाद में निकाला करेंगे, क्योंकि कल भी ऐसे ही मिसहैप हुआ है। हमने बाद में पानी रखा है तो वो जो है ना, क्योंकि प्यासे होते हैं इस टाइम, तो वो जो है ना हड़बड़ी में सारे पानी के बर्तन की तरफ भागते हैं और कोई ना कोई नीचे भी रह गया था कल, एक रह गया था जैसे। लेकिन आज तो अंकल ने खोल दिए चिक्स, कल से हम जो है ना खुद खोला करेंगे, खुद उनको ना बड़े केज में शिफ्ट किया करेंगे, पानी पहले रखा करेंगे और बाद में जो है ना हम उनको निकाला करेंगे। बाकी अभी चलते हैं और हम जो है ना उन्हीं चिक्स को देखते हैं कि वो वाला चिक बचा है या नहीं बचा। यार ये जो है ना नहीं बचा, बेचारा सर्वाइव नहीं कर सका। कल जो है ना सारा दिन वैसे ही पानी के बर्तन के नीचे पड़ा रहा है। लेकिन कोशिश तो की थी, कल कोई ऐसी दवाई नहीं पड़ी थी जो इसको इमीडिएट एनर्जी दे सकती, मरना पड़ी होती तो जो है ना डाल देते, जो है ना ये बेचारा मर गया है। आज जो है ना अभी हमने इसको भी बाहर निकालना है क्योंकि इसका भी टाइम जो है ना पूरा हो चुका है 48 आवर्स। इसको ले चलते हैं और बाहर बाकी चिक्स के साथ छोड़ देते हैं। अभी जो है ना इंसानों को पानी डाल दिए और जो है ना मिस्री मुर्गियों को जो है ना मैंने खोल दिया, बाकी फीड वगैरह सारों के पास पड़ी है। अभी बस काम ख़त्म है यहाँ का, अभी घर चलते हैं, शाम को इंशाल्लाह फिर चक्कर लगाएंगे। तो यार अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया और हम लोग जो है ना फार्म के ऊपर आ चुके हैं। और आज जो है ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, यानी दोपहर को भी आज धूप नहीं निकली। और आज आते साथ हमें एक और बैड न्यूज़ मिली है कि जो है ना 3 चिक्स असील के जो है ना चील उठा गई है। अब जो है ना ये 3 रह गई हैं जिनमें से 2 मुर्गियां हैं और मेरे ख्याल से 1 मुर्गा है। और चील ने एक तो यहीं पे फेंका हुआ है बिल्कुल ही साथ ही, मैंने ये भी देखा है तो आके थोड़ा सा राउंड वगैरह लगा के देखे, सारा ही खाग किया। और ये जो है ना इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं बेचारे। यार अभी उसको उठा के मैंने बाहर फेंक दिया और आंदा से जो है ना हमने किसी भी चिक को नहीं खोलना, सारे चिक्स को जो है ना बंद रखना है, स्पेशली ये 3। ये उससे थोड़े से बड़े हैं लेकिन फिर भी इनका थोड़ा सा एहतियात करनी होगी। चील जो है ना ज़रा आजकल अटैकिंग मोड पे आ गई है, अभी पता नहीं क्या है। अभी भी वो देखें वो सामने फिर रही है, देखती फिर रही है कोई शिकार। तो अभी इनको टाइम से हम बंद करते हैं और छोटे चिक्स को भी बंद करते हैं, उनको भी जो है ना सर्दी लगी हुई है। कि यार अभी जो है ना हमने इनको बंद कर दिया है यार। बाकी उन 3 चूज़ों का जो है ना बहुत ज़्यादा अफसोस है, हमारे जहन में ही नहीं था कि ये छोटे हैं और इनको चील उठा सकती है। बहरहाल अब जो लिखी थी वो तो होनी थी, अब जो है ना वो चले गए हैं। बाकी अभी हम आगे से एहतियात करेंगे, जो यहाँ पे खुले एरिया में फिरते हैं उनको नहीं खोलेंगे, जो पीछे चले जाते हैं सिर्फ उन्हीं को खोलेंगे, 2 KG ने, एक पॉलिश वाला और एक जो है ना मिस्रियों वाला। तो इससे क्या होगा, असल में चील को चाहिए भी खुली जगह होती है पकड़ने के लिए, तंग वहाँ पे तो सारी दीवारें या दरमियान में जो है ना वो बनी हुई है जगह, वहाँ से उसके लिए थोड़ा सा उठाना मुश्किल है। और अगर चील को देखते हैं तो वो शायद पीछे शेड के नीचे भी चले जाते हैं और ज़्यादातर शेड के नीचे ही फिर रहे होते हैं। बाकी अभी यहाँ पे जो है ना मैं करते हैं अपना व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक किस तरह पहुँचती रहें। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।